देखिए हमारा मैग्नेटिज्म में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पारा मैग्नेटिज्म, गाया मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म। ओके, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा। और एक और तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तरीका क्या है देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पारा मैग्नेटिज्म, गाया मैग्नेटिज्म एंड फेरो मैग्नेटिज्म। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग वन बाय वन पारा मैग्नेटिज्म, गाया मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म सबका डिफिनेशन देखेंगे और सबका मतलब वो जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। सो नोट डाउन कीजिए इसे। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, हमारा पारा मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पारा मैग्नेटिज्म है क्या, सो देखेंगे। देखिए दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन दो सब्सटेंसेस, या प्रॉपर्टी उस सब्सटेंसेस में पाया जाएगा उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये उस सब्सटेंस में पाया जाएगा जिस सब्सटेंस का एटम और मॉलिक्यूल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्पिन कर रहा होगा इन द सेम डायरेक्शन, वैसे सब्सटेंस को हम लोग पारा मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आता है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब अब्सेंस होगा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का, द एटॉमिक मैग्नेटिक मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, जब अब्सेंस होगा हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या होगा, द एटॉमिक मैग्नेट्स, एटॉमिक एटम के जो मैग्नेट्स हैं आर रैंडमली ओरिएंटेड, एटम्स के जो हमारा मैग्नेट होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, मतलब कोई भी एक जगह नहीं होगा, सब चारों तरफ बिखरा पड़ा होगा। एंड नेक मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम्स जीरो, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है तो हमारा नेक मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड, सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं, द थर्मल एजिस्टेशन डिस्टर्ब्स द मैग्नेटिक एलिगेंट, सो हमारा थर्मल एजिस्टेशन जो है वो डिस्टर्ब करेगा किसको, मैग्नेटिक एलिगमेंट, ओके, ऑफ द एटम्स, सो पारामैग्नेटिक मीन टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि पारामैग्नेटिक जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका थर्मल एजिस्टेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि सो मैग्नेटिक पारामैग्नेटिज्म जो है वो अपना टेम्परेचर डिपेंडेंट एलिमेंट है। ओके, सो पारामैग्नेटिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये हमारा मॉलिक्यूल्स हुआ, ये सब ओरिएंटेड है रैंडमली डायरेक्शन में, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सब रैंडमली डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। सो ये हमारा था पारा मैग्नेटिज्म, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग गाया मैग्नेटिज्म फिर फेरो मैग्नेटिज्म करते हैं। सो देखिए अब हम लोग क्या देख रहे थे, गाया मैग्नेटिज्म, अब हम लोग देखेंगे गाया मैग्नेटिज्म है क्या। सो देखिए गाया मैग्नेटिज्म जनरली फाउंड इन दो सब्सटेंस, या मैग्नेटिक उस सब्सटेंस में पाया जाएगा हुज एटम है, जिसके एटम के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ओके, द मैग्नेटिक उस सब्सटेंस में पाया जाएगा जिसके एटम और मॉलिक्यूल्स के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, विच फॉर्म पेयर, इवन नंबर का मतलब क्या, सम संख्या, क्या किस 2, 4, 6, 8, मतलब विच कैन फॉर्म पेयर, जो पेयर फॉर्म कर सके उसे हम लोग गाया मैग्नेटिज्म बोलेंगे। ओके, अब हमारा क्या आता है, द नेक मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं, द नेक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम ऑफ गाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, नेक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम ऑफ गाया मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स जीरो, जब भी पूछा जाए आपसे तो जीरो होगा ये। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज किया जाता है अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग फेरो मैग्नेटिज्म करते हैं। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्टेट एंड इलस्ट्रेट क्यूरिज़ लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्यूरिज़ लॉ जो है वो हमें इलस्ट्रेट करना है और मतलब स्टेट करना है। सो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यूरिज़ लॉ है क्या। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके, द मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी ऑफ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो लॉ था वो पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए दिया गया था, जिसमें बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी ऑफ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस
मतलब बोला ये गया कि मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर की होगा, यही बोला गया है। सो हमारा एक्सएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ओके, यहाँ पे हमारा की क्या है, की जो हमारा है ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमारा किसमें आएगा, टेम्परेचर इज इन केल्विन। सो एक बार और देखिए क्यूरिस लॉ है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के द्वारा ये बोला गया ना कि द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो है ना ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिंपली याद रखिए मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। सो वही हमारा क्यूरिस लॉ हो जाएगा। ओके, सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या, हम लोग बहुत देर से मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी वर्ड का यूज कर रहे थे, लेकिन अब मैं उसे डिफाइन कर रहा हूँ मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या है। सो देखिए मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके, टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन क्या है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, सो यहां से हमारा सस्केप्टिबिलिटी क्या निकला, xm इज इक्वल्स टू आई बाई एच। ओके, वेयर आई इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके, और एच हमारा क्या है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, सो देखिए अब हमारा क्या है, ये इट इज यूनिकलेस एंड प्योर नंबर। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो है वो यूनिकलेस है और एक प्योर नंबर है ये। ओके, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेशन का बात कर ले, रिलेटिव परमियाबिलिटी और मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी का, सो म्यू आर इक्वल्स टू 1+xm, ये हमारा रिलेशन है, किसका, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी का। ओके, अपना नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि पारा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक के लिए हमारा जो है ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या होगा। सो देखिए फॉर पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सएम इज पॉजिटिव, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हमारा एक्सएम मतलब मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर डाया मैग्नेटिक एक्सएम इज निगेटिव, डाया मैग्नेटिक के लिए हमारा मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो होगा वो निगेटिव होगा, और फेरो मैग्नेटिक, फॉर फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्सएम इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वो वेरी लार्ज होगा। ओके, सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, यह था हमारा राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। इसके लोग हम लोग इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में कौन कौन से एलिमेंट है, सो ओके, और फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड, और हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा और इसका दूसरा वे क्या है पूछने का, सो ऐसे पूछा भी जा सकता है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ओके, डेराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म का हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो देखिए अब हमें क्या करना है, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, थ्री एलिमेंट्स है अर्थ मैग्नेटिज्म में, ओके, जिसमें पहला हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, सेकंड हमारा एंगल ऑफ डिप, और थर्ड हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो हम लोग वन बाय वन सबको देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ओके, सो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है क्या, देखिए द वर्टिकल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये जो है वर्टिकल प्लेन है इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड और पासिंग थ्रू, ओके, और पासिंग थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिकल, और वो लाइन से जो पास करेगा वो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल से,
इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसे हम लोग जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। ओके अब हमारा क्या है देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक्यूट एंगल जो होगा हमारा बिटवीन द किसका डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, अपना मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, मतलब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हमारा क्या है, ये जो था ना सिंपली आप लोग याद रखो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है क्या, देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन सिंपली याद रखिए मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन को हम लोग समराइज करके ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा और इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड करते हैं एंगल ऑफ डिप। सो देखिए अब हम लोगों का सेकेंड क्या आता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या है देखिए इट इज डिफाइंड एज द, या डिफाइन किया जाएगा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा उसका एंड द हॉरिजॉन्टल एट दैट प्लेस, एक बार फिर समझिए एंगल ऑफ डिप है क्या, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेट, यह डिफाइन किया जाएगा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन जो होगा अर्थ मैग्नेटिक का फील्ड का एंड द हॉरिजॉन्टल एट दैट प्लेस, सिंपली याद रखिए, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, सो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक का फॉर्मूला निकालेंगे। सो देखिए हमारा अब क्या हमें करना था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, सो ये हमारा फिगर है ओके, ये बी और ये इधर गया जैकिस हमारा, ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है ओके, और ये जो है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है ओके, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये एरिया जो हमारा ये एरिया जियोग्राफिकल मेरिडियन ओके, और ये एरिया जो हमारा है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, सब क्लियर है फिगर ये अपना हुआ। सो देखिए एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा फ्रॉम फिगर, इसे हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट माना, और v इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इसे हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड माना, सो नेट हमारा क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू रूटर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बी है और ये हमारा एच है, सो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, जब फर्स्ट को सेकंड से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एच बाय बी इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला निकालते हैं टेन थीटा में ही निकालते हैं, सो देखिए थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एच बाय बी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे हमारा क्या था बी क्या है हमारा बी जो है वो नेक मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, बी जो हमारा नेक मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, और एच जो है यहाँ पे अपना क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बीई, एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बीई, और बी जो हमारा वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बीई है, और थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप, एक बार फिगर देख लेते, फिगर देखिए ये जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है क्लियर, और ये वाला हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये जो है जियोग्राफिकल मेरिडियन ओके। सो अब हम लोगों का ये चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म ये खत्म हो गया, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे क्वेश्चन भी आए हैं, सो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से कीजिए, सो आप लोगों को हेल्प मिले एग्जाम्स के लिए, थैंक्स।